ओके क्लास, इससे पहले हम जो यूनिट्स पढ़ चुके हैं एनिमल डाइवर्सिटी के आपके कोर्स में इनवर्टिब्रेट्स के, सबसे पहले हमने किंगडम प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स हैं या उनके जो प्रोटोजोअन्स हैं, स्पेसिफिक द एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, उनको हमने डिस्कस किया था। देन उसके नेक्स्ट यूनिट पे हमने हमारे जो बेसल फाइला आते हैं सारे किंगडम एनिमलिया में स्पेसिफिकली, उनको हमने देखा था, जिसमें पॉलीफ्रेंस और नाइडेरियंस और टेनोफोरा को हमने डिस्कस किया था, जो कि आप कह लो कि डिप्लोब्लास्टिक लाइफ फॉर्म थी और टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन उन ऑर्गेनिजम्स में हमने देखी। तो अब जो नेक्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, और जो इनका बॉडी प्लान है इन ऑर्गेनिजम्स का, वो एसिलोमेट्स हैं ये, या इनमें जो बॉडी कैविटी होती है या सेंट्रल कैविटी, वो इनमें एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसके जो इस बॉडी प्लान और इस जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो मेंबर्स हैं या जो फाइलम है, उसमें मेनली फाइलम प्लेटीहेलमिंथीज आ जाता है, जिसकी हम इस यूनिट में क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। उनके जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टाइप्स हैं या फॉर्म्स हैं, जैसे फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म्स, टेपवर्म्स वगैरह आ जाते हैं, वो सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे। देन उनका रिप्रोडक्शन सिस्टम, उनकी सेल वॉल्स या सेल टाइप्स या उनका बॉडी स्ट्रक्चर जो है, वो हम डिस्कस करेंगे। और जो स्मॉलर फाइला या क्लेड है, जिसको हम प्लेटीज़ोआ कहते हैं, जिसमें ये मेनली फाइलम प्लेटीहेलमिंथीज जो है वो फॉल करता है, उसको हम देखेंगे। और देन उसकी फर्दर फाइलोजेनेटिक कंसिडरेशन जो है, जो हमें मॉलिकुलर बायोलॉजी या डिफरेंट एविडेंसेस प्रोवाइड करते हैं, उनको हम देखेंगे। सो इंट्रोडक्शन पहले हम देख लेते हैं, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मॉलिकुलर एविडेंसेस हैं, उनके अकॉर्डिंग हम जो ऑर्गेनिजम्स हैं या किंगडम एनिमलिया के जो मेंबर्स हैं, उनको हम थ्री क्लेड्स में या थ्री कह लो ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं, जिसमें ड्यूट्रोस्टोमिया एक क्लेड है, देन एक जो प्रीवियसली कंसिडर्ड क्लेड्स थी दो, ड्यूट्रोस्टोमिया और प्रोटोस्टोमिया, बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स की। लेकिन मॉलिक्यूलर एविडेंसेस ने हमें एक ज्यादा जो है इसको और फाइनली कैटेगराइज कर दिया किंगडम एनिमलिया के मेंबर्स को या बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स को। तो वो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास डिफरेंट क्लेड्स या कैटेगराइजेशन आती है एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल्स की किंगडम एनिमलिया से, उसमें ड्यूट्रोस्टोमियल जो है ग्रुप या क्लेड है, देन लोफोट्रोकोजोन्स आ जाते हैं और एक डाइसोजोन्स आ जाते हैं। तो ये डिफरेंट मैंने आपको इनके बताया था, लोफोट्रोकोजोन्स और डाइसोजोन के जो मेंबर्स हैं, इनको इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या इनको ये क्यों कहा जाता है। लोफोट्रोकोजोन्स में जो है जो इनके मेंबर्स हैं, उनमें या तो जो लोफोफोर फीडिंग स्ट्रक्चर होता है या ट्रोकोफोर लार्वल स्टेज आती है उनमें, तो इस वजह से इसके जो मेंबर्स हैं, इसके जो ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स फॉल करते हैं, उनको लोफोट्रोकोजोन्स कहते हैं। उसके अलावा एक डाइसोजोन्स को एक डाइसोजोआ कहा जाता है, क्योंकि इनके जो एनिमल्स हैं या मेंबर्स हैं स्केलेट में, वो एक डाइसेस शो करते हैं, अपना एक्सोस्केलेटन शेड करते हैं। तो इसमें हम मेनली जो हमारा ये यूनिट है, इसमें हम प्लेटीहेलमिंथीज या लोफोट्रोकोजोन फाइला या फाइलम को हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे, जो कि प्लेटीहेलमिंथीज है। अब प्लेटीहेलमिंथीज जो है, ये कहा जाता है कि फाइलम जो है, ये क्लेड प्लेटीजोआ के अंदर फॉल करता है, जो कि एक पैराफाइलेटिक क्लेड है, पैराफाइलेटिक ग्रुप है, जिसमें दूसरे और फाइला भी आ जाते हैं, जैसे गैस्ट्रो गैस्ट्रोट्राइका है, माइक्रोग्नेथोजोआ है, स्टोमोलिडा है, रोटिफरा है, और कैंथोसिफाइला, डिफरेंट फाइला इसमें आ जाते हैं इस प्लेटीजोआ क्लेड में। उसके अलावा जो इस क्योंकि प्लेटीहेलमिंथीज जो फाइलम है, इसमें स्पेसिफिकली फ्लैटवर्म्स आते हैं, तो फ्लैटवर्म्स जो है ये फर्स्ट कार्निवोरस हंटर्स जो है कंसिडर किए जाते हैं, इनको फर्स्ट कार्निवोरस हंटर्स कहा जाता है, जो कि दूसरे एनिमल्स पे जो है फीड करते हैं, उनके फ्लैश या उनके मीट पर रिलाई करते हैं। ये डायग्राम आपको मैंने पिछले यूनिट्स में भी दिखाई थी, आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि इस टाइम आप किंगडम एनिमलिया या जो आप फाइला डिस्कस करने वाले हैं, किंगडम एनिमलिया का जो भी आप इस टाइम फाइलम डिस्कस करने वाले हो, वो किस कैटेगरी में फॉल करता है, और आप प्रीवियसली क्या क्या डिस्कस कर चुके हो। तो एनिमल लाइक प्रोटेस्ट या प्रोटोजोन्स हमने पहले डिस्कस किए थे, जो कि किंगडम प्रोटेस्टा में फॉल करते हैं। देन हमने तीन बेसल फाइला पढ़े थे प्रीवियस अपने यूनिट में, जिसमें हमने फाइलम पोरिफ्रा, फाइलम नडेरिया और टेनोफोरा डिस्कस किया था। अब जो हम फाइलम डिस्कस करने वाले हैं, वो है प्लेटीहेलमिंथीज, जो कि लोफोट्रोकोजोन एक फाइला है या लोफोट्रोकोजोआ क्लेड से बिलोंग करता है। तो इसके हम देख लेते हैं, लोफोट्रोकोजोन्स जो है, ये इनको ये नाम ये क्यों दिया जाता है, इस क्लेड को लोफोट्रोकोजोन्स क्यों कहते हैं, इनको
जैसे अभी मैंने आपको बताया लोफोट्रोकोजन्स कहते हैं क्योंकि इनमें जो है लोफोफोर एक फीडिंग स्ट्रक्चर होता है और ट्रोकोफोर लार्वल स्टेज होता है. तो ट्रोकोफोर लार्वल